क्या चाहते हैं भाजपा की यह नेता, मुस्लिम बिहार छोड़ दे? बात गिरिराज सिंह की कर रहे हैं, बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जिन्होंने कल बेगूसराय में एक बार फिर अपना चिप्रचित अंदाज में नजर आए और उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनताओं से कहा, अगर बिहार में लाउड स्पीकर मंदिर से हटवाया जाता है तो मस्जिद से भी हटाना होगा। बेगूसराय में सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उस समय सिमरिया से लेकर खगड़िया तक हजारों मंदिरों को हटा दिया गया, क्या सड़क के किनारे से कब्रिस्तान भी हटना चाहिए या नहीं? ये सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय तभी होगा जब बिहार में कोई योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री आएगा और इसके लिए सम्राट चौधरी ही चेहरा है। मतलब क्या है सांसद जी, मंदिर हो या मस्जिद, मुस्लिम हो या हिंदू, आपके लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए। आप एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। जब मंदिर तोड़ी गई तो इसमें बिहार सरकार की क्या गलती है? और आप यह आरोप जो लगा रहे हैं बेगूसराय में सड़कों की चौड़ीकरण हुआ तो उस समय सिमरिया से लेकर खगड़िया तक के हजारों हजारों मंदिरों को जो है हटा दिया गया, तो आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री आप ही के पार्टी से थे, नितिन नवीन, और केंद्र में भी पथ निर्माण विभाग के मंत्री आप ही के हैं, आप ही के पार्टी से आते हैं, नितिन गडकरी, जो आपके पार्टी से ही आते हैं। भाजपा यह कभी नहीं चाहती कि हम जाति धर्म की राजनीति करें, लेकिन यह कहती जरूर है। तो यह सब क्या है? बेगूसराय में सड़कों के चौड़ीकरण हुआ तो उस समय सिमरिया से लेकर खगड़िया तक हजारों मंदिरों को हटा दिया गया, जो आप ये बयान दे रहे हैं, और कब्रिस्तान को भी अब हटा देना चाहिए। लगातार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगता है हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे बिहार की जनता से वोट लिया जाए। अब हम अकेले हैं, समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हिम्मत नहीं है इन्हें अकेले चुनाव लड़ने की, शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। अब तो सम्राट चौधरी जो भाजपा के नए नवेली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तो बिहार का गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री तक बता दिया। बिहार की राजनीति इन दिनों धर्म और जाति विशेष पर ही टिकी है और सबसे ज्यादा लोग ध्यान इसी पर दे रहे हैं। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो ये बात गिरिराज सिंह ने कही है कि कब्रिस्तान को भी हटाना चाहिए, क्या यह धर्म का बंटवारा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म को अलग नहीं कर रही है? मंदिर तोड़वाया गया, मंदिर तोड़वाने के समय बिहार सरकार में मंत्री भाजपा के ही थे, नितिन नवीन, और भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भी मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो आखिर गलती जो है इसमें किसकी? देखिए, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जो है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखलाहट में है, हड़बड़ाए हुए हैं और अनाप सनाप उल्टे सीधे जो बयान है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। आप खुद जो है प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या सही है क्या गलत। जो भी अपडेट होगा NBC 24 के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।